गोदरजार समाज उत्तर प्रदेश द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी के श्री पहलवान को सम्मानित किया गया। जाट समाज गोधर उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र सिंह द्वारा अपने गोविंद नगर स्थित निज आवास पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ये सम्मान समारोह राया क्षेत्र निवासी यूपी केसरी हरिओम पहलवान का था। इस अवसर पर जाट समाज गोधर के अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र सिंह के अलावा ब्लॉक प्रमुख प्रेमपाल, अरविंद शर्मा, केहरी पहलवान, बॉबी प्रधान, विमल प्रधान आदि मौजूद रहे, जिनका पटका उड़ाकर स्वागत किया गया। इसके पश्चात अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र सिंह ने यूपी केसरी हरिओम पहलवान का स्वागत सत्कार करते हुए उन्हें गदा भेंट की। इस अवसर पर हुई बातचीत में जनपद का नाम रोशन करने पर यूपी केसरी को सभी ने बधाई दी। इस मौके पर यूपी केसरी ने युवाओं को पहलवानी के लिए प्रेरित किया। मिला आपको जगह जगह सम्मान हो रहा है, क्या कुछ बताएंगे अपने बारे में? मैं यूपी केसरी कासगंज जिले में बना था, वहाँ मेरी 5 कुश्ती हुई थी। खुर्जा के पहलवान था एक, आर्यन पहलवान। फाइनल में मैंने कपिल धामा को हराया, जो पूर्व यूपी केसरी था। 2 पहलवान वहीं के लोकल थे, कासगंज के। 5 कुश्ती जीतकर मैं यूपी केसरी बना कासगंज में, और वहाँ पर मेरे को 1,00,000 रुपये इनाम, एक मोटरसाइकिल इनाम में मिली थी, और यूपी केसरी का खिताब मिला था। आजकल के युवा कुश्ती पर नहीं, कुछ और पर इंटरनेट में गुम हो रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ संदेश? मैं सबसे यही कहूँगा कि आजकल हर खिलाड़ी, हर बच्चे को खेल खेलना चाहिए, कोई भी खेल हो। खेल का कंपटीशन कम है, पढ़ाई का ज्यादा, इसलिए खेल में आगे चलेंगे तो आगे सब नौकरी जल्दी मिलेगी, सब ठीक रहेगा। मैं उत्तर प्रदेश केसरी बनने पर बड़े भाई चौधरी हरिओम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और इन्होंने हमारे मथुरा जनपद का पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ाई मान बढ़ाया है, और उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे चलकर ये हमारे जनपद का नाम और रोशन करें। यूपी केसरी हमारे पहलवान जी, यूपी केसरी बनने पर हमारे पूरे ब्रज की, क्षेत्र की, जनपद की शान है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई और आभार व्यक्त करता हूँ, ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश केसरी है, आगे चल के भारत केसरी बने।